नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं जॉब लेट गुरु। एसएससी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर यानी कि AWO टेलीप्रिंटर ऑपरेटर TPO दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथ ही कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस के लिए भी नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए टोटल 2268 पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म 8/7/2022 से लेकर 29/7/2022 तक भरे जाएंगे। 30/7/2022 तक पेमेंट कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल AWO TPO मेल के लिए हम बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी दी गई है। ओपन कैटेगरी में 127 जनरल के लिए, EWS के लिए 46 है, OBC के लिए 102 है, SC के लिए 86, ST के लिए 54 और ओपन कैटेगरी में 459 पदों पर हेड कांस्टेबल AWO TPO मेल कैटेगरी के लिए पोस्ट दी गई है। वहीं एक्स सर्विस मैन की हम बात करें तो टोटल 57 पोस्ट दी गई है। डिपार्टमेंटल के लिए 57 पोस्ट दी गई है और इसी तरह से हेड कांस्टेबल AWO TPO मेल कैटेगरी में 573 टोटल पोस्ट दी गई है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि हेड कांस्टेबल AWO यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर के लिए फीमेल कैटेगरी में कितनी पोस्टें दी गई है। ओपन कैटेगरी में बात करें तो जनरल के लिए फीमेल के लिए 96 पोस्ट दी गई है, EWS के लिए 26, OBC के लिए 57, SC के लिए 47 और ST के लिए 30 और टोटल ओपन कैटेगरी में 256 पोस्ट दी गई है। वे डिपार्टमेंटल के लिए 28 पोस्ट दी गई है और टोटल फीमेल के लिए 284 पोस्ट दी गई है। जिसकी उम्र 18 से 27 साल के बीच में है वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं हेड कांस्टेबल AWO TPO के लिए। साथ ही अलग अलग कैटेगरी के अनुसार एज में भी छूट दी जाएगी। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको सरकारी प्राइवेट जॉब की जानकारी सबसे पहले मिले। हेड कांस्टेबल AWO TPO दिल्ली पुलिस के लिए एज छूट में बात करें तो SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, एक्स सर्विस मैन ESM है तो उनको 3 साल की छूट दी जाएगी, अगर स्पोर्ट्समैन है तो उनको भी छूट दी जाएगी। साथ ही अगर किसी के माता या फिर पिता दिल्ली पुलिस मल्टीटास्किंग स्टाफ में है तो हाइट में 5 सेमी की छूट दी जाएगी और चेस्ट में केवल मेल को 5 सेमी की छूट दी जाएगी। हेड कांस्टेबल AWO TPO दिल्ली पुलिस के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है, या फिर किसी के पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो वो भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही हेड कांस्टेबल AWO TPO के लिए दिल्ली पुलिस में टाइपिंग टेस्ट भी होगा, यानी कि टाइपिंग आनी भी जरूरी है। कंप्यूटर पर 1000 की टाइप करना होगा 15 मिनट में। साथ ही अगर किसी अभ्यर्थी के पास NCC सर्टिफिकेट है तो उनको भी बोनस दिया जाएगा। NCC सर्टिफिकेट होने पर 5% छूट दी जाएगी, वही NCC B सर्टिफिकेट होने पर 3% छूट दी जाएगी, वही NCC A सर्टिफिकेट होने पर 2% मिनिमम मार्क्स ऑफ एग्जाम में छूट दी जाएगी। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO में हम बात करें तो टोटल कितने नंबर का पेपर होगा और किन किन में क्वालिफाई होना जरूरी है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, SSC के द्वारा किया जाएगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। फिजिकल टेस्ट में क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, ट्रेड टेस्ट के लिए भी क्वालिफाई होना जरूरी है, यानी कि इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट होगा, 1000 की टाइप करना होगा 15 मिनट में। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO के लिए हम सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेलेंस के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। टोटल जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर में 5 पार्ट होंगे और 2 नंबर पार्ट होगा बी पार्ट, और जिसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का होंगे। सी पार्ट में मैथमेटिक्स का होगा 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के होंगे। डी पार्ट में रीजनिंग के होंगे 20 क्वेश्चन और 20 नंबर दिए जाएंगे, और पार्ट ई में कंप्यूटर फंडामेंटल MS ऑफिस एक्सेल इसके बारे में 10 क्वेश्चन होंगे और 10 से नंबर के होंगे। अब हम बात करने वाले हैं हेड कांस्टेबल AWO TPO दिल्ली पुलिस के लिए फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होगा। मेल कैंडिडेट की हम सबसे पहले बात करने हैं, जिनकी उम्र 30 साल तक है उनको 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में पास करनी होगी, जिसके लिए लॉन्ग जंप होगा 16.5 फीट का, हाई जंप होगा 3.5 फीट का। वहीं जिनकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में उनको 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में पास करनी होगी, और लॉन्ग जंप होगा 11.5 फीट का और हाई जंप होगा 3.3 फीट का। वहीं जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा उनको 1600 मीटर की रेस 9 मिनट में पास करनी होगी, लॉन्ग जंप होगा 10.5 फीट का, वहीं हाई जंप होगा 3 फीट का। अब हम बात करने वाले हैं हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस AWO TPO में फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो जिनकी उम्र 30 साल तक है उनको 800 मीटर की रेस 5 मिनट में पास करनी होगी,
और लॉन्ग जंप 9 फीट का होगा, हाई जंप 3 फीट का होगा। जिनकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में फीमेल की है उनको 800 मीटर की रेस 6 मिनट में पास करनी होगी। लॉन्ग जंप 8 फीट का होगा, हाई जंप 2.5 फीट का होगा। वहीं जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा उनको 7 मिनट में 800 मीटर की रेस पास करनी होगी। लॉन्ग जंप 7 फीट का होगा, हाई जंप 2.3 फीट का होगा। और अब हम बात करने वाले हैं हाइट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेमी की हाइट होना जरूरी है, लेकिन 5 सेमी की छूट दी जाएगी। और 5 सेमी की छूट मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, इन क्षेत्र के जो अभ्यर्थी होंगे इन्हीं को छूट दी जाएगी। चेस्ट की हम बात करें तो मेल कैंडिडेट का चेस्ट 81 सेमी से लेकर 85 सेमी के बीच में होना चाहिए और 5 सेमी सीने का फुलाव होना चाहिए। हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO में महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट की हम बात करें तो 157 सेमी होनी चाहिए और 5 सेमी की छूट भी इन एरिया के या फिर इन स्टेट के जो अभ्यर्थी होंगे इनको छूट दी जाएगी। टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें 200 वर्ड टाइप करने होंगे 15 मिनट में और 1000 की टाइप करना होगा। और ये टाइपिंग टेस्ट जो लिया जाएगा ये MS ऑफिस में लिया जाएगा। MS ऑफिस में कोई भी पैराग्राफ टाइप करवाया जा सकता है। अब हम आप सभी को बताने वाले हैं कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस के लिए केवल ये मेल कैंडिडेट के लिए यानी कि पुरुष अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पात्र होंगे। अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस में भर्ती देखना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है और इसके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म 8/7/2022 से लेकर 30/7/2022 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम होगा और अक्टूबर 2022 में एग्जाम हो सकता है। SSC कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस की हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 1411 है। पे स्केल रहेगा 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक। कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस की ओपन कैटेगरी से 543 जनरल के लिए पोस्ट है, 128 EWS के लिए, OBC के लिए 318, SC के लिए 237 है, ST के लिए 45 है। और टोटल कांस्टेबल ड्राइवर ओपन कैटेगरी के लिए 1270 पोस्ट है, एक्स सर्विस मैन के लिए टोटल 141 पोस्ट है और कांस्टेबल दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए 1411 पोस्ट टोटल दी गई है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है और जिस अभ्यर्थी की उम्र 21 से लेकर 30 साल के बीच में वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 1/7/2022 तक एज की गणना की जाएगी। कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट दिल्ली पुलिस के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर एज में छूट SC/ST को 5 साल की दी गई है, OBC को 3 साल की छूट दी गई है, एक्स सर्विस मैन को भी 3 साल की छूट दी गई है। और जिस अभ्यर्थी के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल का या फिर स्टेट लेवल का तो उनको भी 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। इसी के साथ आगे हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं चाहे आपने कौन से भी सब्जेक्ट से पास किए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही ड्राइविंग का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग का, और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और व्हीकल के मेंटेनेंस का नॉर्मल नॉलेज भी होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको 100 रुपए का पेमेंट करना होगा और 30/7/2022 तक 100 रुपए का पेमेंट करके आप ऑनलाइन फॉर्म कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस भर्ती 2022 में एग्जामिनेशन की हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद में फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद में मेडिकल टेस्ट भी होगा। अब हम बात करने वाले हैं SSC कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस के लिए ऑनलाइन जो एग्जाम होगा वो सिलेबस कैसा होगा। 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और पेपर में 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा ए, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे। बी पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन होंगे। पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी 10 नंबर की। वहीं पार्ट डी में रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल, व्हीकल एंड आदि से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। जिनकी उम्र 30 साल तक है उनको 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में पास करने होंगे। SSC कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस में जिनकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में उनको 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में पास करने होंगे। लॉन्ग जंप होगा 11.5 फीट का, वहीं हाई जंप होगा 3.5 फीट का। जिनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा उनको 1600 मीटर की रेस 9 मिनट में पास करनी होगी। SSC कांस्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस के लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसमें अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल के लिए हम बात करें तो ड्राइविंग के लिए 20 नंबर दिए जाएंगे, ड्राइविंग रिवर्स के लिए 20 नंबर और पार्किंग के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। और लाइट मोटर व्हीकल के टेस्ट के लिए 50 नंबर दिए जाएंगे, जिसमें से 50% नंबर आना जरूरी है। क्वालिफाई के लिए 25 नंबर होना जरूरी है।
में ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल के लिए ड्राइविंग फॉरवर्ड के लिए 20 नंबर दिए जाएंगे, ड्राइविंग रिवर्स के लिए 20 नंबर और पार्किंग के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। ये भी 50 नंबर का टेस्ट होगा जिसमें से 25 नंबर लाना अनिवार्य है। और 3 नंबर टेस्ट होगा ट्रैफिक से संबंधित जिसमें से 25 नंबर का होगा जिसमें 12.5 नंबर लाना अनिवार्य है। और 4 नंबर होगा व्हीकल मेंटेनेंस से संबंधित 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से 12.5 नंबर लाना अनिवार्य होगा। तो साथियों हाल ही में अभी अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। हेड कॉन्स्टेबल AWO PTO के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं जिसमें 12वीं पास होना चाहिए। हमने आपको डिटेल से बताया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेबस क्या होगा। वहीं अगर आप स्टेबल ड्राइवर दिल्ली पुलिस के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, योग्यता रखते हैं, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमने आपको पूरा डिटेल से बताया। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके मन में सवाल विचार तो आप मेरे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। एसएससी कांस्टेबल ड्राइवर और एसएससी हेड कांस्टेबल AWO TPO दिल्ली पुलिस के लिए टोटल पोस्ट 2268 है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। धन्यवाद।